कहानी 47 फिलिप्पी में पौलुस और सिलास। जद शाउल रोमी साम्राज्य में यात्रा करी तो बने अपनो रोमी नाम पौलुस गो उपयोग करना आरंभ कर दियो। एक दिन पौलुस और बिंगो मित्र सिलास फिलिप्पी गांव में यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनान खातिर गया। वे गांव के बाहर नदी के किनारे एक स्थान पर गया जठे लोग प्रार्थना करने खातिर इकट्ठा हा। बठे बे लुदिया नाम की एक स्त्री ने मिलया जिकी एक व्यापारी ही वह परमेश्वर सागे प्रेम करती ही और बिंगी आराधना करती ही। परमेश्वर लुदिया ने यीशु के बारे में संदेश पर विश्वास करने खातिर सक्षम करयो। पौलुस और सिलास बिना अरे बिंगे परिवार ने बपतिस्मो दियो। बने पौलुस और सिलास ने अपने घर ठहरण खातिर आमंत्रित करयो। ई खातिर बे बठे ठहर गया। पौलुस और सिलास लोगां सागे अक्सर बी स्थान पर मिलता हा जठे यहूदी लोग प्रार्थना करे करता हा। प्रतिदिन जद बे बठे जानता हा तो एक दासी लड़की जिकी दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित ही बंगो पीछा करया करती ही। ई दुष्ट आत्मा गे मध्यम मुंह बा लोगां को भविष्य बताया करती ही। ई खातिर बा भविष्य बताण आली गे रूप में अपने स्वामिया खातिर बहुत धन कमाए करती ही। बंगे जानता समय बा दासी लड़की चिल्लाए करती ही, ए आदमी परम प्रधान परमेश्वर का सेवक है, ए थन्ने उधार पाण को मार्ग बता रहा है। बा प्रतिदिन इया करे करती ही। इम पौलुस नाराज हो गयो। अंत में एक दिन जद भी दासी लड़की चिल्लाणो आरंभ करयो तो पौलुस बिंगे कनी मुड़गे बिंगे अंदर की दुष्ट आत्मा ने कहो यीशु के नाम में इमु निकल जा। बी समय बाद दुष्ट आत्मा बिना छोड़ दियो। बी दासी लड़की का स्वामी बहुत क्रोधित हो गया। बने मालूम हो गयो के बिना बी दुष्ट आत्मा के बाद दासी लड़की लोगों को भविष्य को नहीं बता सके। इंगे अर्थ हो के लोग अब बिंगे स्वामिया ने पिसा को नहीं देगा के वो भविष्य बतावे के बंगे सागे के होवेगो। ई खातिर बी दासी लड़की का स्वामी पौलुस और सिलास ने रोमी अधिकारियों कने ले गया। बा पौलुस और सिलास ने पिट्यो और फिर बन ने जेल खाने में डाल दियो। बा पौलुस और सिलास ने जेल खाने गए एक हिस्से में रखियो जठे सारा मुँह ज्यादा सिपाही आ। अठे तक के बा बंगा पैरा मां लकड़ी का बड़ा टुकड़ा में जोड़ दियो। पर पौलुस और सिलास आधी रात के समय परमेश्वर की स्तुति का गीत गाए आवाहा। अचानक ही एक भयानक भूकंप होयो। जेलखाना का सारा द्वार खुल गया और सारा कैदियों की जंजीरा खुल गए गिर गई। फिर दरोगा जाग गयो। बने देखो कि जेलखाना का द्वार खोलिया होया है। बने सोचो कि कैदी बच गए भाग गया है। वो डर गयो कि बंगे भाग जाने के कारण रोमी अधिकारी मन्ने मार देगा। ई खातिर वो स्वयं ने मार डालने खातिर तैयार हो गयो। पर पौलुस बिना देख के चिल्लायो रुक जा स्वयं ने नुकसान ना पहुंचा मैं सारा हटे हाँ। बी दरोगे कांपता होया पौलुस और सिलास कने आगे पूछो उधार पाण खातिर मैं के करूं। पौलुस जवाब दियो प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरो घरानो उधार पावेगो। फिर वो दरोगा पौलुस और सिलास ने आपके घर ले गयो और बंगे घाव धोया। पौलुस बिंगे घर गए सारा लोगों ने यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनायो। दरोगा और बिंगे पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करयो। ई खातिर पौलुस और सिलास बने बपतिस्मो दियो। फिर दरोगा पौलुस और सिलास ने भोजन करवायो और बे एक सागे आनंदित होया। अगले दिन गांव का अगुआ पौलुस और सिलास ने जेलखाने में स्वतंत्र कर दियो और फिलिप्पी मु चलिया जान खातिर कहो। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ अन्य मित्रा ने मिलियो और बिंगे बाद गांव मु निकल गया। यीशु के बारे में शुभ संदेश फैलतो गयो और कलीसिया बढ़ती गई। पौलुस और अन्य मसीह अगुआ बहुत नगरां की यात्रा करी। बा लोगों ने यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनायो। बा कलीसिया का विश्वासिया ने उत्साहित करन और शिक्षा देन खातिर कई पत्र भी लिखिया। बा मु कुछ पत्र बाइबल की पुस्तक बन गया।